अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मित्रों, काव्य गुण के बाद हम अब काव्य दोष को पढ़ते हैं। ये काव्य दोष है, हमारे ग्रेड फर्स्ट व्याख्याता में तो नहीं है, लेकिन सेकंड ग्रेड में काव्य दोष। काव्य दोष की पहले देखिए उसके लक्षण देखें, परिभाषा देखते हैं और फिर पहचान का प्रश्न इसमें आता है कि कविता दे देंगे, बताइए इसमें कौन सा दोष है, तो उस पर हम काम करते हैं। देखिए, पहले जो तत्व मुख्य अर्थ, कविता का मुख्य अर्थ है क्या? रस। उसमें जो बाधक होते हैं उसके दोष कहते हैं। देखो, गुण की परिभाषा क्या पढ़ी थी हमने? गुण की परिभाषा पढ़ी थी, मम्मट ने कहा था, जो रस के उत्कर्ष में साधक हैं, रस को ऊंचाई तक ले जाए वह है गुण, और जो रस को नीचे की ओर ले जाए, बाधा पहुंचाए रस में, कविता का आनंद प्राप्त होने में जो बाधा पहुंचाए, उन बाधक को, तत्व को कहते हैं दोष। तो देखो, ये उल्टी परिभाषा है। रस के उत्कर्ष के साधक धर्म वे हैं गुण, और जो रस में बाधक होते हैं उनको दोष कहते हैं। रस के हेतु शब्द और अर्थ होते हैं, यानी शब्द शब्द को पढ़ते हैं और शब्द का अर्थ समझते हैं, इसी से हमको रस मिलता है। इसलिए दोष भी शब्द और अर्थ दोनों प्रकार के, उभयगत दोनों प्रकार के माने गए। अब देखो एक और है परिभाषा, ये मम्मट के काव्य प्रकाश के टीकाकार है वामनाचार्य, और उन्होंने कहा जो तत्व काव्य की उद्देश्य प्रतीति, उद्देश्य काव्य का उद्देश्य क्या है? रस प्राप्त करना ही तो है, उसमें बाधक होते हैं, वही बात है दूसरे शब्दों में कह दी, जो रस में बाधा पहुंचाते हैं, जो रस में बाधा पहुंचाते हैं वो दोष है, वे दोष है, और जो काव्य की उद्देश्य प्रतीति, काव्य के उद्देश्य के प्रतीत होने में, उसको काव्य का उद्देश्य प्राप्त करने में जो बाधक होते हैं उन्हें दोष कहते हैं, एक ही बात है। देखो, काव्य दोष हमारे 10 होते हैं, लेकिन हमारे यहां पर, हमारे पाठ्यक्रम में 6 ही हैं, 4 काव्य दोष नहीं है। उसमें सबसे पहला है श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कहते हैं कानों को सुनना, सुनने में जो कड़वा लगे उसको श्रुति कटुत्व कहते हैं। तो श्रुति का मतलब है कान, कानों को कड़वी क्या लगेगी? ध्वनि, ध्वनि लगेगी। एक तो कोमल ध्वनि अच्छी लगती है और एक कठोर ध्वनि है वो बुरी लगती है। तो देखो, इसको समझिए, श्रुति कटुत्व का मतलब कानों को कड़वे लगना, और कानों के कड़वे लगने का मतलब है हमारे ध्वनि का, उसमें कठोर ध्वनि का होना। जहां मधुर पदों, देखो परिभाषा बहुत अच्छे ढंग से दी गई है, जहां मधुर पदों, पदांशों या वाक्यांशों का प्रयोग किया जा सकता है, वहां कटु पदों, पदांशों या वाक्यों का प्रयोग करना श्रुति कटुत्व दोष कहलाता है। मतलब कोमल भाव वाली कविता में मूर्धन्य ध्वनि, टैठड है या संयुक्त व्यंजन का प्रयोग, इसको सीधा सा ही समझ लीजिए। देखो, हमने गुण पढ़े, माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति की कविता है, मतलब उसका भाव तो है श्रृंगार का, और उसमें टैठड है, जो ओज गुण की ध्वनियां हैं उनका प्रयोग कर दो वो दोष हो जाएगा। टैठड में दोष नहीं है, अगर आप गौड़ी रीति में जोशपूर्ण भावों वाली कविता में टैठे डेढ़े और संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करो वह गुण है, लेकिन कोमल भाव वाली कविता में मूर्धन्य ध्वनि टैठे डेढ़े का प्रयोग करो वो दोष है। तो देखो आगे चलते हम लोग, ये देखो मैथिली क्षणगुप्त की कविता है, करते कठिन तर कर्म की, कवि के कठिन तर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, परन क्या विश्वोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। ये श्रुति कटुत्व में दोष सुन लीजिए, टैठेडन और संयुक्त व्यंजन, टैठेडन संयुक्त व्यंजन आ जाएगा, दोष का मामला होगा। कठिन ठ, धृष्टता, विश्वोत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता,
संयुक्त व्यंजन है, देखिए संयुक्त ये दृष्टता और इसी तरह उत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता और टैटेड और है, ये श्रुति कटुत्व दोष है। अरे भाई इसमें सीधी सादी बात कही थी, कवि का काम कठिन है और कामों की तुलना में कठिनतर है, तुलनात्मक रूप से कठिन है, इसकी हम आलोचना नहीं कर रहे, ये बात सही है, इसको हम गलत नहीं ठहरा रहे, मैथिलीशन गुप्त कह रहे हैं। लेकिन विषय अगर उत्कृष्ट आपका होगा तो उसमें विचार उत्कृष्ट अपने आप ही आ जाएंगे। मैथिलीशन गुप्त कहना चाह रहे हैं कि एक कवि को चाहिए कि वह विषय अच्छा चुने, अगर विषय अच्छा चुनेंगे तो उसके विचार भी अपने आप अच्छे आ जाएंगे, ये कहने का आशय है उनका। तो पर लेकिन अब इतनी सीधी सादी विचार था, इसमें कौन सा कोई जोश खरोश की बात तो थी नहीं, जब जोश खरोश की बात नहीं थी, ओजगुण की बात नहीं थी, तो फिर इसे दृष्टता, विचार उत्कृष्टता, विषोत्कृष्टता ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं है। बहुत सीधी सदी सरल भाषा में बात कही जा सकती थी कि कवि का काम मुश्किल है और उसमें विषय के चयन का ध्यान रखना चाहिए, विषय के चयन से विचारों का चयन अच्छी तरह से आ जाएगा। इतनी सी कोमल शब्दावली में बात कही जा सकती थी, लेकिन उसको दृष्टता, विषोत्कृष्टता, कठिनतर इसमें कर दिया, ये श्रुति कटुत्व है। कब कर इकटक डट रही टटियांगुरन टार, एक नायिका है, टाटी उधर पांच पुरुष बैठे हैं, पांच सात दस पुरुष बैठे हैं, उसमें उसका प्रिय भी बैठा है और वो एकटक उसको देख रही है, क्योंकि सबके सामने देख नहीं सकती, छिप करके टाटी के पीछे से देख रही है। कब कर इकटक डट रही टटियांगुरन टैटे 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 टैटे, ये क्या टैटे टे की बात नहीं बताइए, कोमल भावों से बेचारी देख रही है और उसमें टैटे टैटे की ध्वनियां ले आए इसको, और टैर रहित मूर्धन्य रहित कि कब 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 से वो लगातार अपने प्रिय को वहां पर निहार रही है, ऐसा कह सकते थे। लेकिन इक टक डटी रही टटियांगुरन टार, ये ध्यान कीजिए, ये ट ट ट ट ट मूर्धन्य ध्वनि आ गई और उधर पड़ा हुआ है श्रुति कटुत्व, यहां विकल्प श्रुति कटुत्व है, टैटे टै से आप श्रुति कटुत्व को जोड़ लीजिए, राइट, ये ग्राम्यत्व दोष है। ग्राम्यत्व दोष का मतलब सीधा सा है, गांव की बोली के शब्द आ जाना, मानक भाषा और उसमें गांव की बोली के शब्द आ गए, काव्य में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग ग्राम्यत्व दोष लाता। देखो कैसे कहते हो, कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर कभी ना आऊं, द्वार का मतलब है द्वार, इस द्वार पर फिर कभी ना आऊं, कैसे कहते हो उस द्वार पर, और देखो ये आना चाहिए द्वार, और सब मानक है, कैसे कहते हो इस फिर कभी ना आऊं, सब मानक शब्दावली है खड़ी बोली की और इसमें द्वार शब्द आ गया, ये ग्राम्यत्व दोष है। देखो अगर पूरी कविता गांव की है, जैसे सूर की कविता है, मीरा की कविता है, जायसी की कविता है, तुलसीदास का रामचरितमानस है, उसमें ग्रामीण जब सारी ही कविता गांव की हो तो उसमें ग्रामीण शब्दों का प्रयोग दोष नहीं कहलाता, लेकिन जब और कविता यहां पर मानक शब्दों में हो और वहां पर एक शब्द ऐसा आ जाएगा दुवार, वह ग्राम्यत्व दोष कहलाएगा। अब देखिए ये पूरी कविता, मूंड पे मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल, ये बिल्कुल ब्रजभाषा में, पै धरे हैं सोहत, ये सब गांव के तो शब्द हैं, यहां पर ये दोष नहीं है, लेकिन यहां पर मूंड में दोष है। अरे यार भाई मुकुट धर रहे हो तो मुकुट बेचारे मुख पे रखो ना, ये मूंड पे क्यों रख रहे हो मुकुट, अच्छी चीज रख रहे हो, शोभायमान हो रहे हैं, बताइए गोपाल मुकुट धारण किए शोभायमान हो रहे हैं, किस पर धारण किए, मूंड पे। अरे मूंड किसी नकारा, मूंड फोड़ने पर मूंड काम में लेते हैं हम, किसी नकारात्मक चीज में हम मूंड शब्द का प्रयोग करते हैं और आपने मुकुट धरने पर मूंड का प्रयोग कर दिया, नो। देखो अब काव्य दोष में अप्रतीतित्व दोष, अप्रतीतित्व का अर्थ क्या होता है, प्रतीत न हो, यानी नहीं, क्या प्रतीत न हो, अर्थ, यानी शब्द में अर्थ तो है लेकिन पाठक को श्रोता को अर्थ प्रतीत नहीं होगा, उसको अर्थ ही पता नहीं लगेगा, जब अर्थ ही नहीं पता लगेगा तो रस कहां से आएगा उसको कविता में। ये देखिए सबसे मुश्किल वाला दोष है, इसको पहचानना, क्यों
क्योंकि उसको अर्थी प्रतीत नहीं होगा। पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग से काव्य में अप्रतीतित्व, यह है पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द शास्त्र में काम में लिए जाते हैं। शास्त्र जब बनता है तो पारिभाषिक शब्द उसी में देखे, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, गौड़ी, रीति, तो रीति, ये सब पारिभाषिक शब्द है। अगर इसके आधार पर कविता रचोगे तो जो बेचारा काव्यशास्त्र को जानेगा वो तो समझ लेगा, जो काव्यशास्त्र हिंदी संस्कृत काव्यशास्त्र को नहीं जानता तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दे कविता का अर्थ कैसे समझ में आएगा। पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग शास्त्र में किया जाना चाहिए, कविता में नहीं। इसलिए पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग से काव्य में जो उस शास्त्र को नहीं जानते वे उसका अर्थ नहीं समझते, इसलिए अप्रतीतित्व दोष आ जाता है। पारिभाषिक शब्द शास्त्रों में प्रयुक्त होते हैं जिससे विशेषज्ञ समझ सकते हैं, काव्य तो आम लोगों के लिए होता है, इसलिए आम भाषा में कविता रची जानी चाहिए। देखो ये योग शास्त्र का, ये योग शास्त्र का है, इसमें काव्य शास्त्र के शब्द आ गए, इसमें दर्शन शास्त्र के आ गए। नवपोरी जायसी का है, रत्नसेन जा रहे हैं पद्मावती से मिलने के लिए, उनको परिचय दिया जा रहा है कि देखो रत्नसेन जब आप जा रहे हो ना पद्मावती से मिलने, नवपोरी, नोपोलियां आएंगी और दसवें नंबर का दरवाजा आएगा, नो तो आएंगी पोल छोटे दरवाजे और फिर दसवें नंबर का बड़ा दरवाजा आएगा, नौ पौरी पर दसम द्वारा और तेई पर बाज राज घरियारा, वहां पर राज घरियारा यानी घंटा, राजा का घंटा वहां बजता मिलेगा आपको। अब ये कौन सी नौ पौरी और दसवां दरवाजा, राजा का घंटा कौन सा है, ये योग शास्त्र की शब्दावली है। ये हमारे जितने चक्र हैं उन चक्रों को पार करके जब यहां पहुंचोगे वहां अनहद नाद सुनाई पड़ेगा, ओम ओम ओम, उस राजा के घंटे की ध्वनि को ओम ओम को कहा है। योग शास्त्र की प्रक्रिया का इसमें वर्णन है। कुल मिलाकर के इसमें ये कहने की कोशिश है कि पद्मावती को प्राप्त करने के लिए आपको योग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा रत्नसेन। अब जब तक ये हम योग शास्त्र नहीं जानते कि राजा का घंटा अनहदनाद कौन सा है, अनहदनाद जो लगातार बजता रहता है, और ये नौ पोलियां और दसवें दरवाजा, ये चक्र कौन से हैं, तब तक इस कविता का अर्थ नहीं समझ में आ सकता, क्योंकि इसमें योग शास्त्र की शब्दावली और उसकी अवधारणा डाल दी है इसमें। ऐसे देखो, ये तल बस दुख देते हैं ये तेरे अनुभव, मेरे हृदय के तल में बस करके वहां पर ये दुख दे रहे हैं कौन, तेरे अनुभव। अब बताओ अनुभव तो हम लोग आगे पढ़ेंगे रस में, आश्रय द्वारा की जाने वाली चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं, ये तो काव्यशास्त्र का शब्द है। अगर यहां कह देते कि ये तेरी अदाएं, ही तल बस दुख रहते ये तेरी अदा, तो बात समझ में आया, अदा यानी उसकी गतिविधियां, ये तो अनुभव आ गया। तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त, ये कह रहे हैं तत्व ज्ञान पाकर हुए, तत्व ज्ञान को प्राप्त करके आशय, आशय का तो अर्थ होता है अर्थ, इसका आशय समझाइए। लेकिन यहां दर्शन शास्त्र में आशय कहते हैं इच्छाओं को, वासनाओं को। जो व्यक्ति तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, मूल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसकी सारी इच्छाएं वासनाएं सब समस्त हो जाती है, यह अर्थ है इसका, दलित हो जाती है, नष्ट हो जाती है, इच्छाएं नहीं रहती, निष्काम हो जाता है, कामना रहित हो जाता है। अब यहां पर आशय, ये तो यहां वासना लिख दिया है अर्थ, लेकिन आशय दलित समस्त, अब आशय का अर्थ वासना के अर्थ में तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि हम दर्शन शास्त्र को नहीं पढ़ लें। दर्शन शास्त्र में आशय वासना को कहते हैं और सामान्य बोलचाल में आशय अर्थ को कहते हैं। देखो समझने की बात यह है कि अप्रतीतित्व दोष वहां होता है जहां पारिभाषिक शब्द हों। पारिभाषिक शब्द को विशेषज्ञ समझ सकते हैं, आम आदमी नहीं समझ सकता। अब प्रश्न ऐसा आ जाएगा, मान लीजिए कि उसमें कोई अप्रतीतित्व दोष वाला आपको कविता दे दी गई, तो आपको खुद को ही समझ में नहीं आएगी। समझ में आ गया तो फिर वो दोष कहां रहा, और अर्थ प्रतीत नहीं हुआ तो वही तो दोष है। इसका मतलब ये समझिए, मान लीजिए कोई कविता है और उसमें चार दो दे रखे, चार दोष दे रखे, इसमें श्रुति कटुत्व कह देगा टैठे डेढ़ है क्या, संयुक्त व्यंजन है क्या, नहीं है, टैठे डेढ़ भी नहीं, श्रुति कटुत्व नहीं है। इसमें कोई ग्रामीण शब्द का प्रयोग हुआ है क्या, ग्रामीण शब्द का भी प्रयोग नहीं हुआ। फिर आगे चल करके और भी इसमें दोष आएंगे, इसमें दुष्क्रमत्व है क्या, दुष्क्रमत्व भी नहीं, और कविता का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप कौन सा चुनेंगे, उसमें
अप्रतीत दोष सुन लीजिए, ये तीन तो दोष इसमें है नहीं, कविता का अर्थ आपको समझ में नहीं आता, नहीं आता तो फिर इसमें अप्रतीत दोष मान सकते हैं, यही अप्रतीत दोष की पहचान है, क्योंकि अगर अर्थ ही प्रतीत हो गया तो फिर दोष कहां है। या फिर ये ऐसे में से कोई उदाहरण आ जाए तो आप उसके आधार पर आप तय कर सकते हैं, लेकिन ये दोष वहीं होता है जहां कविता का अर्थ समझ में नहीं आए। आगे चलिए देखिए, ये क्लिष्टत्व दोष है। क्लिष्टत्व का मतलब अर्थ समझ में तो आ जाएगा लेकिन कठिनाई से समझ में आएगा। देखो क्या परिभाषा है, अर्थ का बोध तो होगा किंतु कष्ट से होगा। अब देखो इसकी सीधी सी ट्रिक है, ये कष्ट से क्यों होता है, कई शब्दों को मिलाकर एक शब्द का अर्थ निकाला जाता है इसमें, तो फिर कई शब्दों को मिला मिलू करके और फिर उसमें से एक शब्द का अर्थ निकलेगा, तो ये माथापच्ची हो गई ना, पजल हो गई। देखो कैसे, उदाहरण देखिए, हेम सुतापति वाहन प्रिय तुम इसमें रति ने फेर। एक पत्नी बहुत दुखी है पति से, पति मूर्ख है, तो मूर्ख पतियों से मूर्ख आगे बिचारी पत्नी दुखी रहती है। आजकल ये स्थिति बहुत ज्यादा विकट होती जा रही है मित्रों, पत्नियां तो होशियार इंटेलिजेंट हो रही हैं और पति लोग इधर उधर की नेतागिरी करते हैं, अपना दिमाग विकसित नहीं करते, इसलिए मामला जो है बहुत गंभीर हो रहा है हमारे समाज में। इसमें रत्ती भर भी फेर नहीं है, वो पत्नी क्या कह रही है बेचारी, पति को क्या कह के जा रही है, कह के चली गई वो, हे प्रिय तुम हेम सुतापति वाहन हो। अब ये हेम सुतापति वाहन क्या कहा, तो एक शब्द एक अर्थ कहा था, अब इसमें हेम सुतापति वाहन, इसका जोड़ तोड़ करके अर्थ निकालो, कई शब्द मिलकर, देखिए कई शब्दों को मिलाकर के एक शब्द के अर्थ को निकालना, इसे कहते हैं क्लिष्टत्व। हेम का मतलब है हिमालय, ये तो हिमालय हो गया, सुता का मतलब है पुत्री, हिमालय की पुत्री कौन हुई, पार्वती हो गई, पर्वत से पर्वत की बेटी है ना, इसलिए तो पार्वती कहलाती है। उसका पति कौन है, उसका पति हो गया शिव, और उसका वाहन कौन है, उसका वाहन हो गया बैल, तो पत्नी क्या कह रही है, हे प्रिय तुम बैल हो, तुम हिमालय की बेटी पार्वती के पति शिव के वाहन यानी बैल हो। और बैल लक्षणा से क्या अर्थ निकलेगा, बैल का अर्थ क्या होता है, मूर्ख, बैल नहीं हो मूर्ख हो तुम, ये कह के गई वो, हेम सुतापति वाहन प्रिय तुम, और इसमें रत्ती भर भी फेर नहीं है, शत प्रतिशत तुम मूर्ख ही हो, यानी कि 10-20% या 60-70% 100% मूर्ख हो तुम, ये कह के गई, कह के तो गई लेकिन उस बिचारे के जान को इसका अर्थ समझने की माथा पच्ची तो हो गई ना, वो तो क्लिष्टत्व दोष और दे गई, वो बेचारा माथा लगे प्रिय कह के गई है तो समझता है कि प्रिय कहा मुझे तो कोई ना कोई अच्छी बात कह के गई है, अच्छी कोई हम मुझे पद दे के गई है वो तो, और पद ये मिला इसको, पद मिला कि तुम मूर्ख हो। कई शब्दों को मिलाने से, कई शब्दों को मिलाकर एक शब्द का अर्थ निकालने में क्लिष्टत्व होता है। आगे देखिए, हिमालय की सुता पार्वती के पति शिव के वाहन अर्थात बैल अर्थात मूर्ख। आगे देखिए, अजा सहेली तारिपु ताजननी भक्तार ताके सुत के मीत को सुमरों बारंबार, बारंबार मैं स्मरण करता हूं, सुमिरों बारंबार, किसको, अजा सहेली तारिपु ताजननी भरतार ताके सुत के मीत को, किसके मीत को, देखो कई शब्दों से मिलके फिर अट, अजा कहते हैं बकरी को, अज यानी बकरा और अजा यानी बकरी, और बकरी की सहेली कौन है, भेड़, और भेड़ का रिपु शत्रु कौन है, भेड़ का शत्रु है भरभूट कांटा, कांटे लग जाते हैं भेड़ के उनके, बकरी के नहीं लगते, बकरी के बाल मोटे होते हैं और भेड़ के बाल कोमल नाजुक होते हैं, उनमें भरभूट लग जाते हैं, कांटे लग जाते हैं, उस तो अजा की सहेली है भेड़, और भेड़ का रिपु है कांटा, और कांटा की जननी कौन है, कांटा कहां से पैदा होता है, धरती से, वो उसकी जननी है, और उस धरती का भरतार कौन है, वो है इंद्र, इंद्र इंद्र राजा है, वो पृथ्वी का मालिक है, और उसका सुत कौन है, इंद्र का सुत कौन है, तो इंद्र का बेटा है अर्जुन,
और उस अर्जुन का मीत, अर्जुन का मित्र कौन है? वो है कृष्ण। उस कृष्ण को मैं बार बार स्मरण करता हूं। लो, कृष्ण को स्मरण करना था तो सीधे कह देते ना, कृष्ण को स्मरण करता हूं। ये जो इतना घुमाया गया है, आजा की सहेली बकरे की सहेली भेड़, भेड़ का शत्रु है कांटा, कांटे की जननी है धरती, धरती का भरतार है इंद्र, और इंद्र का सुत है अर्जुन, अर्जुन का मित्र है कृष्ण, और कृष्ण को सुमरो बारंबार। ये वही है मित्रों, कई शब्दों को मिलाकर एक शब्द का अर्थ निकालना क्लिष्टत्व दोष आता है। इसका मतलब आपको ऐसा लगे कि कई कई शब्दों का चक्कर डाल करके अर्थ निकालने की बात आ रही है, और ऑप्शन पड़ा हुआ क्लिष्टत्व दोष, क्लिष्टत्व। आगे चलिए देखिए, ये इसका अर्थ दे रखा। ये देखिए, लंकापुरी, लंकापुरी पति, लंकापुरी कौन? लंका, और उसका पति कौन? रावण, लंका का राजा रावण। उसका भाई कौन? कुंभकर्ण, और उसकी प्रिया कौन? नींद, सोता ही रहता है कुंभकर्ण, उन्हें नींद नहीं आती है। लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती, मुझे उसकी प्रिया नहीं आती है। लो, अरे कह देते ना नींद नहीं आती है, हमारी नींद क्यों उड़ाई? लंकापुरी पति रावण, रावण का भाई कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण की प्रिया है नींद, और वो नींद नहीं आती है। आप सोचिए, ये लंक हमारी नींद। तो बात क्या हुई? कई शब्द मिलाकर एक अर्थ निकालना, उसको क्लिष्टत्व दोष कहते हैं। आगे देखिए, अक्रमत्व दोष। देखो, दो है हमारे पास, एक अक्रमत्व और एक दुष्क्रमत्व। अक्रमत्व में ए लगा हुआ है, और दुष्क्रमत्व में, दुष्क्रमत्व में दुष उपसर्ग लगा है, दुष, ये दुष उपसर्ग लगा है, और इसमें ए लगा है, ए और दुष ये लगे हुए हैं। अब छंद में जब पदों को क्रम का औचित्य दिखाई पड़े, जिस प्रकार से छंद आना चाहिए, अगर वैसा नहीं आए छंद बनाने के चक्कर में, छंद बनाने के चक्कर में वही जो हमारा गण है, गण की संरचना की, यस नभगण नगण आना चाहिए तो एक 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 आना चाहिए, भगण आना चाहिए तो गुरु लघु लघु आना चाहिए, इस प्रकार के जब छंद बनाए जाते हैं तब शब्दों को इधर से उधर शंटिंग की जाती है, उनको इधर से उधर लाया जाता है, उस छंद तो बन जाता है, लेकिन छंद के फिर अर्थ समझने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसा दोष अक्रमत्व कहलाता है। छंद में जब पदों के क्रम का अनुचित दिखाई पड़े, और ये खास तौर से क्या है, कारक चिन्ह और विशेषण आदि सही क्रम में नहीं होते, देखो कैसे नहीं होते, और तब अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जो कुछ भी हो मैंने संभालूंगा इस मधुर याद को जीवन की, देखो कैसे लिखा, जो कुछ भी हो मैंने संभालूंगा, अब यह है मैं नहीं संभाल, जो कुछ भी हो मैं नहीं संभालूंगा, यहां तक तो ठीक है, इस मधुर याद को जीवन की होना चाहिए, जीवन की इन मधुर यादों को मैं नहीं संभालूंगा, मैं नहीं संभालूंगा क्रिया तो सबसे आखिर में आनी चाहिए, और जीवन की पहले आनी चाहिए मधुर याद। देखो, जीवन की मधुर यादों को मैं नहीं संभालूंगा, अगर ऐसा आता न नहीं संभालूंगा, तो आप देखिए इस वाक्य का अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन जो कुछ भी हो मैं न संभालूंगा इस मधुर याद को जीवन की, ऐसे करके ये उठपटांग जो आगे पीछे कर दिया, जो क्रम इनका इधर उधर कर दिया, उससे वापस क्रम जमनाओ, फिर ढंग से पढ़ो, फिर अर्थ निकालो, इतने में तो रस गया, रस में बाधा पहुंच गई ना इस क्रम के इधर उधर होने से, माथा पच्ची हो गई, फिर यह कविता नहीं रही, आनंददायक कविता नहीं रही। देखो अगला, देखिए दूसरा, थी सर्व में अधिक मंजुल मुग्धकारी। सब में अधिक, सबसे अधिक मंजुल यानी सुंदर और मुग्ध कर देने वाली क्या थी? जादू भरी मुरलिका, मुरलिका जादू भरी मुरलिका थी, किसकी? पति राधिका की, राधिका पति, पति तो है, पति राधिका की, राधिका की मुरली हो गई, कारक चिन्ह कहां लगा? राधिका की, तो मुरली किसकी हो गई? राधिका की, राधिका की मुरली सबसे ज्यादा मुग्धकारी थी। अब देखो इसमें की जो कारक चिन्ह है वो राधिका के बाद में लग गया, बनना चीता राधिका पति की, राधिका पति है कृष्ण, कृष्ण की मुरली सबसे मुग्धकारी थी, और ये छंद के बनाने के चक्कर में राधिका की हो गया, जबकि होना चाहिए राधिका पति की। तो देखो
मुरली राधिका की बन गई, कारक चिन्ह राधिका के बाद लग गया, कारक चिन्ह को लगना चाहिए था राधिका पति, पति के बाद लगना चाहिए था पति के बाद, पति की उसी की तो मुरली है। घंटों लेके जननी हरि, जननी हरि को गोद में बैठती थी। ये देखो जननी हरि को ऐसा लग रहा है कि वो को कारक चिन्ह ऐसा लग गया, जननी हरि यशोदा के साथ लग गया, तो यशोदा के साथ तो है लेकिन हरि जननी ऊपर आ गया, ऊपर वाली पंक्ति में है राधा, राधा को, राधा को गोद में लेकर के घंटों बैठती थी कौन, हरि जननी यशोदा। अब ये को कारक चिन्ह राधा को आना चाहिए था, राधा तो ऊपर पंक्ति में एक पहली वाली पंक्ति में पड़ी हुई है राधा, और को नीचे आ गया। अब इस प्रकार से कारक चिन्ह होने से ये तो हरि को लेकर के बैठ गई अब यहां, जबकि बैठ रही थी राधा को, तो कारक चिन्ह कहीं का कहीं लग जाने की वजह से उस कविता के अर्थ समझने में दिक्कत होती है। तो कारक चिन्ह की वजह से, विशेषणों की वजह से अक्रमत्व दोष होता है। देखिए दुष्क्रमत्व दोष, ये अलग प्रकार का दोष है दुष्क्रमत्व। लोक और शास्त्र के विरुद्ध वर्णन में, लोक में कैसा वर्णन है और शास्त्र में कैसा वर्णन है उससे दुष्क्रमत्व दोष माना जाता है। जैसे देखो मैंने बुढ़ापे, जवानी और बचपन में खूब संघर्ष किया, देखो यहां पर अक्रमत्व दोष नहीं है। क्यों? कर्ता पहले आ गया, संघर्ष किया क्रिया बाद में आ गई, जैसा वाक्य होता है व्याकरण के अनुसार वैसा का वैसा है। मैंने बुढ़ापे, जवानी और बचपन में खूब संघर्ष किया, जैसा वाक्य का क्रम है वो सही है, लेकिन देखो क्या गलती हो गई। सबसे पहले तो मैंने बुढ़ापे में संघर्ष किया, फिर बुढ़ापे के बाद जवानी आई तब संघर्ष किया, और उसके बाद में बचपन आया तब संघर्ष किया। लोक में ऐसा होता ही नहीं, लोक में तो पहले बचपन आता है फिर जवानी आती फिर बुढ़ापा आता है, तो बचपन यहां आना चाहिए था, बुढ़ापा यहां आना चाहिए था। ये लोक और शास्त्र के विरुद्ध जो वर्णन किया गया ये व्याकरणिक दोष नहीं है, लेकिन ये लोक और शास्त्र में विद्यमान जो सत्य है, तथ्य है, उसके विरुद्ध ये वर्णन है, इसको कहते हैं दुष्क्रमत्व। इसमें दुष उपसर्ग है, उसमें अक्रमत्व है। अक्रमत्व में विशेषण, कारक चिन्ह और शब्दों के इधर उधर वाक्यों के अनुसार न होकर के अर्थ बिगड़ने से होता है, दुष्क्रमत्व में तो उसकी विषय वस्तु में ही दोष होता है। आगे देखिए, किसने रे क्या क्या चुने फूल, जग के छवि उपन में अकूल, पंत की कविता है, इसमें कलि किसले कुसुम शूल। ये दुनिया क्या है, ये दुनिया एक बगीचा है, इस बगीचे में हम सब लोग फूल तोड़ने के लिए आते हैं, फूल का मतलब खुशी लेने के लिए आते हैं, लेकिन देखो क्या क्या तोड़ के ले जाते हैं। किसने रे, किसने कितने फूल चुने, किसने पता नहीं किसने कितने फूल चुने, किसने नहीं चुने बेचारे ने। इस जग का ये छवि उपवन है, सौंदर्य का बगीचा है, और ये अकूल है, इसका कोई किनारा नहीं है, ओर छोड़ नहीं है, विस्तृत है, असीम है। क्या क्या है इस बगीचे में, इसमें कलियां हैं, इसमें किसले कौपल हैं, और इसमें कुसुम पुष्प है, इसमें सुशूल कांटे हैं, गुलाब का फूल समझ लीजिए आप, उसमें कांटे भी होते हैं कलियां भी होती है। तो देखो इसमें कली, पहले कली आ गई, फिर कौंपल आ गई, फिर फूल आ गया, और फिर कांटे आ गए। होना ये चाहिए था कि पहले किसले, पहले कौंपल लाते, कौंपल में फिर कली आती है, कली के बाद कुसुम आता है, फिर शूल आता है। तो देखिए किसले कली से पहले आना चाहिए, इसमें कली किसले कल कुसुम शूल। राजन देहु तुरंग मोई अथवा देहु मतंग, एक याचक है मांगने वाला, राजा कह रहा है राजन या तो तुम मुझे घोड़ा दे दो, और घोड़ा अगर देने की तुम्हारी सामर्थ्य न हो तो फिर मुझे हाथी दे दो। अब बताइए घोड़े की सामर्थ्य नहीं हो तो हाथी कहां से दिया जाएगा, इसका मतलब कौन मूल्यवान, कम मूल्यवान है, कौन अधिक मूल्यवान है, उसका क्रम तो कवि को रखना चाहिए ना। क्या कहना चाहिए था मुझे, राजन देहु मतंग मोही, राजन मुझे हाथी दो, और हाथी नहीं दे सकते हो तो अथवा देहु तुरंग, ये अगर क्रम होता तो ये सही क्रम था। तो देखो यहां पर ये तो प्रकृति में कौपल
और कली और फूल और कांटे, इसके क्रमिक विकास की कहानी है जो गलत हो गई, क्रम भंग हो गया। और ये किसी वस्तु की मूल्यवत्ता का प्रश्न है, और उसमें हाथी सबसे ज्यादा मूल्यवान है और घोड़ा कम है, उसमें गड़बड़ हो गई। अब देखो हमारी जो परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न आए हैं उसको हम देखते हैं। जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी, शास्त्र में तो प्रसिद्ध है, लोक व्यवहार में प्रसिद्ध, वहां कौन सा दोष? तो देखिए वो अप्रतिति दोष है ना, अर्थ ही नहीं निकलेगा। शास्त्र हम जानते नहीं, शब्द का प्रयोग शास्त्र के अनुसार, पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कर दिया, तो ये हमारा अप्रतिति दोष है। निम्नलिखित में दुष्क्रमत्व दोषयुक्त शब्दावली है। अब आप देखिए इसमें, इसको देखिए, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले लो बांध अनंत गगन, मार से बचाओ नाथ आई हूं शरण में। दुष्क्रमत्व में दोष में क्या होता है? जीवन में, समाज में, शास्त्र में, लोक में जो क्रम होना चाहिए उससे विपरीत हो जाए। ये देखो इसमें कैसे है, मारुति नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग ल जायो। क्या हुआ? मारुति नंदन कौन? हनुमान जी, ये हनुमान जी है। और वो लक्ष्मण जब मूर्छित हुए तो जड़ी लेने के लिए गए, और इतनी तेजी से गए और आए कि उन्होंने सबके वेग को, वेग यानी गति, उस गति को लज्जित कर दिया सबको। पहले तो किसकी गति को लज्जित किया? मारुत नंद ने मारुत को, पहले तो हवा की गति को लज्जित किया, फिर मन को किया, और फिर खगराज यानी गरुड़ को किया, ये गरुड़ की गति लज्जित कर दी। अब आप देखिए, सबसे पहले तो आना चाहिए गरुड़, क्योंकि सबसे धीरे, सबसे कम गति से गरुड़ चलता है। गरुड़ की तेज गति से हवा चलती है, और सबसे तेज चलता है मन। मन को लज्जित करने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं, तो सबसे पहले धीमे को रखो, उसको लज्जित किया, फिर और तेज को रखो, और फिर अंत में मन को रखो। अगर मन को पहले रख दिया तो फिर बाद में खगराज का को लज्जित करने का तो कोई बचा ही नहीं है, फिर मामला ही नहीं बचा। तो देखो इसका क्या क्रम होना चाहिए था, इसका क्रम होना चाहिए था मारुति नंदन खगराज को मरुत को मन को वेग ल जायो, ऐसा क्रम होना चाहिए था। मारुति नंदन खगराज को मारुत को और मन को वेग ल जायो, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहां पर मन जो सबसे तीव्र है वो मारुत और खगराज के बीच में रख दिया, ये दुष्क्रमत। देखो फूलों की लावण्यता देती है आनंद, ये तो जो है शब्द का लावण्यता नहीं होता, लावण्य होता है। एनीवे, लोक या शास्त्र के विरुद्ध पद क्रम होने पर कौन सा काव्य दोष होता है? लोक और शास्त्र तो दुष्क्रमत्व हो गया ना भाई, दुष्क्रमत्व हो गया। जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में उससे प्रसिद्ध हो, अप्रतीत दोष देके फिर आ गया, तो अप्रतीत। अब देखो इन अभ्यास के प्रश्नों को हम अभी हल कर लेते हैं। काव्य दोष छांटिए, मूंड पे मुकुट धरे हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ये ग्राम्यत्व दोष हो गया, ये ग्राम्यत्व दोष है। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग ल जायो, तो देखिए यहां पर अभी हम कर चुके, ये दुष्क्रमत्व है। दुष्क्रमत्व है उर्मिल जल निश्चत प्राण पर शब्दल, देखो संयुक्त व्यंजन है उर्मिल निश्चत, ये संयुक्त व्यंजन, ये तय तय और पय और फिर ये रहे, जहां संयुक्त व्यंजन आएंगे वहां है श्रुति कटुत्व, ये श्रुति कटुत्व है। क्योंकि जहां पर संयुक्त व्यंजन, देखो निश्चत प्राण उर्मिल और निश्चत प्राण, ये कविता के शब्द थोड़े हैं साहब। मंदिर अरग, मंदिर अरग अवधि हरि बद गए, हरि क्या कह करके बदी, बदी गए यानी कह गए, वादा करके गए हरि कि मैं अवधि में, इतनी अवधि में आ जाऊंगा। कितनी अवधि में आ जाऊंगा? मंदिर अरग, अब उस अवधि का दिन बता देते कि इतने दिन में आऊंगा कि एक महीने में आऊंगा, वो बता के गए। मंदिर, मंदिर अरग का अर्थ निकालते करो, मंदिर के परिक्रमा करो, और परिक्रमा होती है 15 दिन की। अब मंदिर अरग को दो शब्दों को जोड़ करके अर्थ निकाला, 15 दिन, 15 दिन की तो कह के गए हरि की मैं 15 दिन में लौट आऊंगा मैं मथुरा से, गोपियों को कह के गए। और हरि आहार चली जात, अब देखो कितना समय चला गया है, हरि आहार, अब इन दोनों को फिर जोड़ो,
अब हरि के अनेक शब्द हैं, बंदर भी हैं, मोर भी हैं, सांप भी है, विष्णु भी है और हरि का अर्थ शेर भी है। अब माथापच्ची हो गई नहीं है, हरि आहार, आहार यानी भोजन। अब शेर का भोजन, शेर का भोजन क्या है? मांस, मांस खाता है शेर, एक महीना चला जा रहा है। मांस का अर्थ दूसरा अर्थ लो महीना। तो देखो क्या हुआ कि मंदिर अरग अवधि हरिबद गए अरिहाय आहार चल जात। 15 दिन के लिए कह के गए तो एक महीना चला गया। अब 15 दिन के लिए मंदिर अरग कर दिया और हरि एक महीने के लिए, मांस के लिए एक महीने के लिए हरि आहार कर दिया, माथा पच्ची कर दी। ये कौन सा होता है? क्लिष्टत्व दोष हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग जब दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द का अर्थ निकाला जाए वो क्लिष्टत्व होता है। देखिए पावन पद वंदन के प्रभु कब कार्त्यार्थ मिले मुझको। देखो कार्त्यार्थ कितना संयुक्त व्यंजन है, ये श्रुति कटुत्व है मित्रों, श्रुति कटुत्व। कार्त्यार्थ जब भी ऐसे शब्द आ जाएं वो कानों को अच्छे नहीं लगते। मच्चक मच्चक मत चलो, ये तो भाई साहब ग्राम्यत्व दोष है ही, मच्चक मच्चक। अब देखो इसको, अमानुषी भूमि अबानरी करो, ये रामचंद्र का में से है। और राक्षस लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? हम इस भूमि को मनुष्य रहित और बंदर रहित कर देंगे। मनुष्य और बंदर मिलकर के, मनुष्य तो राम और लक्ष्मण है लेकिन बाकी सारे बंदर और भालू हैं। तो राक्षस कह रहे हैं कि हम, रावण के राक्षस कह रहे हैं, हम इस भूमि को मनुष्य रहित और बंदर रहित कर देंगे। लेकिन अब ये लिखा कैसे है? लिखा कैसे कि अमानुषी भूमि अबानरी करो, अर्थ ये निकल रहा है कि ये भूमि तो पहले से ही अमानुषीय मनुष्य रहित भूमि है और इस मनुष्य रहित भूमि को हम बंदर रहित कर देंगे, ये अर्थ निकल रहा है। इसको होना कैसे चाहिए था? भूमि अमानुषी, भूमि अमानुषी अबानरी करो, अबानरी करो, ऐसा होना चाहिए था। अब सही अर्थ होता, ये क्रम होता तो भूमि को हम मनुष्य रहित और बंदर रहित कर देंगे। यहां तो ये लिख गए अमानुषी भूमि को, मनुष्य रहित भूमि को बंदर रहित कर देंगे, जबकि होना चाहिए था इस भूमि को हम मनुष्य रहित और बंदर रहित करेंगे। अगर ये अमानुषी जो विशेषण है ये बाद में आना चाहिए था ना, तो फिर कौन सा हो गया? अक्रमत्व दोष है मित्रों, अक्रमत्व दोष, अक्रमत्व। शीतलच्छा है, देखो संयुक्त व्यंजन, सांस्कृतिक और ये रा सूर्य, ये है श्रुति कटुत्व। जहां पर संयुक्त व्यंजन आएंगे तो वहां पर श्रुति कटुत्व है मित्रों। ये हमारे दोष, दोषों का हमारा प्रकरण है और इसमें हमने विभिन्न उदाहरणों और अभ्यास के द्वारा इस काम को किया। हमारे पास में दोष है हमारे 6। पहला दोष है श्रुति कटुत्व, जहां संयुक्त व्यंजन आ जाए या टैठे डेडे जैसी ध्वनि आ जाए वह श्रुति कटुत्व, जहां ग्रामीण शब्द का प्रयोग हो वो ग्राम्यत्व दोष हो गया। जहां पर शास्त्रीय शब्दावली का प्रयोग किया जाए और अर्थी समझ में न आए वो है अप्रतित्व दोष। जहां पर 2-3 शब्दों को मिलाकर किसी एक शब्द का अर्थ निकाला जाए वह है क्लिष्टत्व दोष। और जहां पर विशेषण, कारक चिन्ह या शब्दों का क्रम इधर उधर हो और उसकी वजह से अर्थ समझ में नहीं आए वह है अक्रमत्व दोष। और जहां पर दुनिया में, शास्त्र में तो चीजों का कुछ क्रम और हो और कविता में कुछ और क्रम दे दिया जाए वह है दुष्क्रमत्व दोष। ये हमारे 6 प्रकार के दोष हैं मित्रों, इनको आप देखिए। वैसे दोष बहुत कम, इसके उदाहरण भी कम मिलते हैं, इसीलिए उदाहरण कम दे करके और कौन सा दोष कैसा होता है लक्षणों पर ज्यादा प्रश्न बनाए गए हैं। आप इन लक्षणों को थोड़ा अच्छी तरह से देखिए, मुझे लगता है कि दोष से संबंधित प्रश्न को आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस पर आने वाले वीडियोस पर कमेंट्स कीजिए।